आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज, पल पल की खबर। प्रदेश के रायगढ़ जिले में छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव समाप्ति के बाद निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। शपथ लेने के बाद चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ के सभी पदाधिकारियों ने संगठन के हित में काम करने की बात कही और संघ से जुड़े सभी कर्मचारियों की समस्या का समाधान करने जरूरी कदम उठाने का भी आश्वासन दिया। मैं डॉक्टर दिनेश पटेल, संयोजक कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला शाखा रायगढ़, आज हमारा लघु वेतन कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी हैं, जो निर्वाचित होकर आए हैं जिले से, उन सभी साथियों का शपथ ग्रहण समारोह में हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। और मैं आप सब मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो हमारा फेडरेशन का जो प्रमुख घटक है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमारे लघु वेतन कर्मचारी संघ के साथी हैं। और आज उनकी स्ट्रेंथ देखकर हमें बहुत खुशी है और इन्होंने बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से जिला स्तर पर और विकासखंड स्तर पर जो है पदाधिकारियों की नियुक्ति किया है और आज ये शपथ समारोह में हमारे सभी साथी उपस्थित हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपना पक्ष रखने के लिए आज प्रेस वार्ता बुलाई थी और कांग्रेस लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार, लगातार जो वादे किसानों से किए गए हैं, चाहे वो कर्ज माफी का वादा हो, चाहे 2500 रुपए में धान खरीदने का वादा हो, चाहे किसान सम्मान निधि का वादा हो, हम सब पूरा कर रहे हैं। और कांग्रेस की सरकार ने 36 वादे घोषणा पत्र में किए थे, जिसमें हमने 27 पूरा कर लिए। KSN 24 न्यूज के लिए रायगढ़ से बंशी निराला की रिपोर्ट।